बिहार का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फ्लड्स बाढ़ की स्थिति को लेकर के, या फिर जो अनावश्यक जब बारिश बारिश का मौसम आता है तो जो पानी हमारे यहाँ आता है, उसका कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं देखता है। हम जब यूरोप में घूमते हैं तो हमको नीदरलैंड एक एग्जाम्पल मिलता है, वेनिस एग्जाम्पल मिलता है, जहाँ पर कि ये सारे जो शहर हैं ये बिल्कुल सी लेवल से नीचे बसे हुए हैं, और उसके बाद भी इनके पास ज्यादा खतरा है समुद्र से पानी आने का भी। उसके बाद भी उन लोगों ने अपने आप को इस तरीके से बदल लिया है कि उस पानी के साथ भी उस पानी को कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसके ऊपर काम करते रहे हैं। तो मैं समझना चाहूंगा कि बिहार, क्या हम हर बार बाढ़ से लड़ने की तैयारी करते रहेंगे? हर साल दर साल नई सरकारें आती हैं, बोलती हैं कि हम बाढ़ के लिए ये कर रहे हैं, राहत कार्य कर रहे हैं, हम अनाज बांट रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन क्या बिहार के पास कोई एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है कि इस जो पानी हमारे पास आता है उसको एज ए रिसोर्स, और उसको हम, या फिर नेविगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम कोई रिलेशन कर सकते हैं जो कि यूरोपीय देश के साथ, चाहे तो नीदरलैंड के साथ या फिर इटली में अगर वेनिस वाला एरिया है, उनसे कुछ सीख सकते हैं। जहां से जर्मनी से हम आते हैं, यहाँ पर इनकी जो सबसे बड़ी नदी है राइन नदी, उनको इन्होंने कैसे चेंज किया है कि बारिश में जब पानी ऊपर भी आता है तो शहर शहर में एम्बाकमेंट है कि फिर वो शहर एक लेवल ऊपर चला जाता है, पानी वहां तक भरता है। तो बहुत सारी लर्निंग है यूरोप में जो कि बाढ़ और बहुत ज्यादा पानी को उन्होंने मैनेज किया है। तो इसके ऊपर बिहार सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है, और हम लोग लॉन्ग टर्म में इसके ऊपर क्या काम करेंगे, और इसमें हम लोग भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि इसको हम सुधार कैसे सकते हैं। तो अगर एक बार हम समझेंगे कि बिहार इस पे क्या काम कर रहा है, तो हम लोग भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर दे पाएंगे। जी, धन्यवाद। बिहार में हम लोग अक्सर बात करते हैं फ्लड मैनेजमेंट की। अभिनव जी भी बता रहे थे, हर साल हजारों लोगों की जान जाती है, लाखों लोग विस्थापित होते हैं बाढ़ से। तो बिहार सरकार बहुत पैसा खर्च करती है पोस्ट फ्लड रिकवरी पे, जबकि करना चाहिए हम लोग को प्री फ्लड मिटिगेशन स्कीम्स पे। अभी भी बिहार सरकार और भारत में भी IMD जो है, जो मौसम विज्ञान विभाग है, वो खर्च करती है ज्यादा पैसा एक मॉडल पे जो फ्लड को फॉरकास्ट करती है, और वो फ्लड फॉरकास्ट जो मॉडल है वो बहुत फ्लॉलेस नहीं है, क्योंकि उसमें से फॉरकास्ट सिस्टम सही नहीं है। उसमें हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट ये कहने का मतलब है कि हमें प्री फ्लड मिटिगेशन स्कीम्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बजाय कि हेलीकॉप्टर से राशन ज्यादा गिराएं और पोस्ट फ्लड ज्यादा खर्च करें। और मतलब मुझे मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आपको ये नहीं लगता है कि बिहार को एक अच्छा फ्लड अर्ली वार्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है? हम जानते हैं कि शुरू में ये कॉस्टली होगा, बट लंबे समय में ये ओवरराइड कर जाएगा, क्योंकि जो इससे मॉनेटरी बेनिफिट्स आएगा लॉन्ग टर्म में वो फायदा होगा। चाहे एक छोटा सा मेरा सुझाव रहेगा कि फ्लड रिस्क मैप प्लॉट वाइज गवर्नमेंट अगर जनरेट करे, फ्लड प्रोन मैप उसको बोलते हैं या फ्लड रिस्क मैप जो भी आप बोलेंगे, और वो फार्मर को प्रोवाइड कराया जाए कि आपका जो प्लॉट है या आपकी जो फील्ड है वो फ्लड प्रोन जोन में आती है, और ये क्रॉपिंग सिस्टम आपके लिए अच्छा नहीं है, आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा काम है, इसमें 2 महीने 3 महीने का काम है, किसी GIS एक्सपर्ट को आप हायर करेंगे, 2 महीने 3 महीने में वो एक प्रोजेक्ट बनाकर आपको दे देगा कि बिहार की हर प्लॉट, एक एक हेक्टेयर पे या जो भी छोटा यूनिट हो, कौन सी यूनिट फ्लड प्रोन है, कौन सी यूनिट फ्लड रिस्क जोन में आती है, और कौन सी क्रॉपिंग सिस्टम एग्जिस्टिंग है और ऑल्टरनेट कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सुझाव रहेगा कि आज जल दिवस है, उस पर हम लोग ये प्रण लें कि क्यों ना बिहार का एक फ्लड एग्रीकल्चर मैप क्रिएट करें जो फ्लड रिस्क जोन बताता हो। एक छोटा सा ये सुझाव रहेगा, और मंत्री से अनुरोध रहेगा कि हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम पे ज्यादा फोकस करें, बजाय कि पोस्ट फ्लड रिकवरी पे एम्बैंकमेंट बनाना हो, चाहे राशन गिराना हो, उस पर ना फोकस करके मल्टी मॉडल इंसेंबल फोरकास्टिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं US में, यहाँ पे हम लोग वही फॉलो करते हैं, क्योंकि एक मॉडल में कमियां रहती है। मौसम विज्ञान भारत सरकार एक मॉडल फॉलो करती है, दो तीन मॉडल का जब आप करेंगे फॉलो तो निगेटिव उसका बायस खत्म हो जाता है। तो मेरा यही कहना होगा कि बिहार सरकार उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, वर्ल्ड बैंक से संपर्क करके कि कैसे हम लोग मल्टी मॉडल अर्ली वार्निंग फ्लड सिस्टम करें, सिर्फ पानी पर डिपेंड न रह के। अभी हम लोग डिपेंड रहते हैं प्रेसिपिटेशन, बारिश कितनी होगी और फ्लड कितना आएगा रिवर के लेवल से। तो ये बस यही मेरा छोटा सुझाव है कि हम लोग एक अर्ली वार्निंग सिस्टम इम्प्रूव करें और फ्लड रिस्क जोन फार्मर्स के लिए बनाएं प्लॉट वाइज। धन्यवाद। करीब करीब 72% एरिया बिहार का फ्लड अफेक्टेड है। ये सही है कि उसका हम लोगों ने असेसमेंट अब करना जाके शुरू किया है, एक चीज का कि एक साल में कितना लॉस होता है फ्लड से।
चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो, चाहे एग्रीकल्चर का लॉस हो, चाहे घर टूट गया हो, क्योंकि आपको पता है कि चाहे कोसी हो चाहे गंडक हो, इस सब का उद्गम नेपाल में, और वहां से जब इंटर करती है बिहार में तो बिल्कुल फ्लड प्लेन उसका प्लेन है, तो बिल्कुल पानी का फ्लो आता है। अब एक था कि नेपाल में हाई डैम बनेगा, उस पर 20-25 साल से काम चल रहा है, तो कंट्रोल्ड पानी आएगा वहां से, वहां नेविगेशन भी होगा, पावर का भी जनरेशन होगा और फ्लड भी कंट्रोल रहेगा, नेपाल को भी एडवांटेज होगा और इस साइड जो बिहार को है उसको भी एडवांटेज होगा। उस पे बहुत सारा ट्रीटी हुआ, बहुत सारा काम हुआ, विराट नगर है नेपाल में, वहां आज भी ऑफिस है, भारत सरकार और नेपाल सरकार के अधिकारी बैठते हैं, डीपीआर पे काम कर रहा है, लेकिन प्रोग्रेस बहुत कुछ है नहीं उसमें, आज भी डीपीआर बनके भी नहीं तैयार है। तो लार्जली हम लोग उस चीज पर डिपेंड करते रहे। अब ये तो कंट्री टू कंट्री है, अब भारत सरकार प्रयास भी कर रही है लेकिन अभी कोई बहुत उत्साहवर्धक रिजल्ट नहीं आया वहां से। तो इस साइड बिहार में क्या करें, और पानी आता है तो फ्लड आता है, तो डेफिनेटली हम लोगों ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्लेस किया है सरकार, और उसका एक एडवांटेज है, कोई अगर क्लोजली देखेगा, आज पटना में मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर है और वो पूरा डेटा एनालाइज करके देता है और बहुत अच्छा काम उसमें हुआ है, और 72 आवर पहले हम लोग वार्निंग देते हैं। थोड़ा ट्रेनिंग की भी जरूरत है, जो इंजीनियर वगैरह हैं वो हम लोगों ने करना पिछले साल से ही शुरू किया है, और उसका एडवांटेज ये हुआ है, बिल्कुल आप सही कह रहे थे जो हमारे साथी बोल रहे थे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम में अगर हम लोग फोरकास्ट पहले से करके रखते हैं और अन्य जगहों से भी फोरकास्ट लेके आते हैं और उसमें अगर हम लोग कुछ काम करते हैं तो उसमें काफी काम हुआ है और भी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आज के डेट में बिहार में 72 आवर्स पहले हम लोगों ने फोरकास्ट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया को भी बहुत यूज किया है, तो उसका भी एडवांटेज हमको मिल रहा है, क्योंकि गांव में अब मोबाइल और कनेक्टिविटी है तो लोग सारा इंफॉर्मेशन पहले दे देता है कोई प्रॉब्लम होता है। उसी के तरह फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है जिस पर ISF वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम हो रहा है, ये मैं बता दूं, चाहे मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर हो, और अभी हम लोग फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का काम जस्ट हमारा शुरू हुआ है, वो इंडिया का दूसरा ये सेंटर होगा। अब एक सेंटर पुणे में था, अगर कोसी का रिवर का स्टडी कराना हो तो पुणे जाना पड़ता था और वहां लंबा टाइम लगता था, एक्सपेंसिव भी था। अब बिहार सरकार खुद वीरपुर जगह है सुपौल में, आप लोगों में से कुछ लोग उधर के होंगे तो ध्यान होगा, वीरपुर बहुत बड़ा कोसी का एक बड़ा जो कोसी का जो काम होता है उसका वीरपुर एक बहुत बड़ा वो है, वीरपुर में अब फिजिकल मॉडलिंग सेंटर पे काम हो रहा है, मेरे ख्याल से 2022 या 2023 तक ये काम पूरा हो जाएगा। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम, रिवर का बिहेवियर, इस पर काफी सारा काम हो रहा है। एक काम जो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, और इसके अलावा जो आप कह रहे थे, क्योंकि तो हम लोगों को अभी तक लगता था कि नेपाल में कोई न कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा तो हम लोगों का जो ये पूरा नॉर्थ बिहार का एरिया है वो जरूर जो फ्लड का इशू है उसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। हम लोग उस साइड में भी परस्यू कर रहे हैं चीजों को, लेकिन अब हम लोग इसके लिए बैठ नहीं सकते। अब जो न्यू टेक्नोलॉजी है इसको कंटेन करने के लिए, और मुख्यमंत्री जी कल ही छपड़ा और गोपालगंज गए थे, मैं साथ गया था कल छपड़ा और गोपालगंज गए थे, और उन्होंने कल भी कहा है कि अभी हम लोग जो 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 नया टेक्नोलॉजी है कुछ जगह हमने यूज किया है, उस सारे टेक्नोलॉजी को हम आने वाले टाइम में जो फ्लड मिटिगेशन के लिए हम लोग यूज करने जा रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट, ये सच है कि वाटर मैनेजमेंट हम लोगों ने कर लिया तो बड़ा एक एडवांटेज स्टेट को मिलेगा। आप सबको कितना ट्रैक करते हैं बिहार का न्यूज, एक बहुत बड़ा स्कीम नीतीश जी ने लॉन्च किया है जल जीवन हरियाली का, क्योंकि आपको पता है कि एक एरिया में पानी है और एक एरिया पूरा वाटर स्टार्ट रहता है पूरा साउथ बिहार, तो उन्होंने वो अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है, 24,000 करोड़ का वो है, उसमें जितना पॉन्ड था
अब पता नहीं कितने लोगों को ध्यान होगा, कुआं, गांव में कुआं होता था, अब तो कुआं नहीं है। उस सारा पॉन्ड और कुआं को रिवाइव करना, जिसे वाटर रिचार्ज हो सके, उस पर बड़े स्केल पे बिहार में काम हो रहा है। इसके अलावा हम लोग जो पानी गंगा से मॉनसून में लिफ्ट करके, ये पहला प्रोजेक्ट हो रहा है बिहार में, ये काम बहुत अच्छा सुझाव आया है। डेफिनेटली मैं, जो हमारे कुछ साथी अभी बता रहे थे, तो मैं उनसे जरूर इस प्रोग्राम के बाद कनेक्ट करूंगा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम पर और क्या काम कर सकते हैं, कैसे। और जैसे अभी बता रहे थे कि प्लॉट प्लॉट बाय जगत हम लोग एक मैप बना करके स्टडी कर सके, ये मेरे लिए एक ये था कि इस पर जरूर हम लोग आगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल इच्छा है और चाहत है कि अगर फ्लड वाले इशू को हम लोगों ने, माने जो जिस डिपार्टमेंट को मैं देख रहा हूँ वहां ये हाल था कि लोग फ्लड का ही काम देखते थे, इरिगेशन उसका पार्ट था ही नहीं। ये तो मुख्यमंत्री बोले और जो इंजीनियर है, सेग्रीगेट किया गया है, फ्लड और इरिगेशन का अलग काम देखा जाता है। और एक चीज जो प्रॉमिस किया है नीतीश जी ने, इस टर्म में हर एक प्लॉट पर सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे, इरिगेशन का अरेंजमेंट कर देंगे। मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा टर्न अराउंड बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर में होने वाला है। उस पर ऑलरेडी सर्वे का काम चल रहा है, इस मार्च तक ये सर्वे का काम, मार्च नहीं सॉरी अप्रैल तक ये सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, हम लोग अप्रैल मांग है। और उसके बाद उस पर अगर इम्प्लीमेंट हो करके और हम लोगों ने अगर पानी पहुंचा दिया हर एक प्लॉट पर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बिहार में बहुत बड़ा बूम, वैसे भी बहुत बड़ा बूम बिहार में एग्रीकल्चर में हो रहा है, किसी से आप बात कीजिएगा वो आने वाले टाइम में आपको दिखाई पड़ेगा। जो ग्रीन रिवोल्यूशन लोग 60s में देखे पंजाब में और हरियाणा में, वो बिहार अगले 5 साल ऑलरेडी एक जो बेस वाला काम हो गया है वो आपको दिखाई पड़ जाएगा। जहां तक मेरे डिपार्टमेंट की बात है फ्लड वाले में, डेफिनेटली हम लोग इस चीज को आप परस्यू कर रहे हैं कि चाहे अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, चाहे न्यू टेक्नोलॉजी को इनोवेट करके चीजों को कंट्रोल करना हो, उसको हम लोग जरूर मिनिमाइज करने का, मैं फ्लड कंट्रोल तो नहीं कहूंगा। अब बताइए फरक्का में बराज बना दिया, आप लोग को आइडिया होगा, अब फरक्का के अपस्ट्रीम में पूरा सिल्ट जमा हो गया, उसका वेंट जो है वो पूरा पानी का फ्लो जाता ही नहीं, सब सफर बिहार कर रहा है। अब उसको डिसिल्ट नहीं करेंगे या उस बराज का वेंट नहीं बढ़ेगा, ये बात सब हम लोग भारत सरकार में रख रहे हैं कि भाई उसका, और पूरा भागलपुर से लेके बक्सर तक जो शहर है उसको भी खतरा इससे हो जाता है। तो हम लोग जरूर भारत सरकार में अब बात कर रहे हैं कि उसका डिसिल्टेशन या चीजें किया जाए, लेकिन सरकार का ध्यान, इतना मैं जरूर कहता हूँ कि सब कुछ कर दिया ये तो मैं क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन एक विजनरी चीफ मिनिस्टर बिहार में है,